अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गेमिंग में चलते हैं। तो यार आज के एक और वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली किसी गेम प्ले के ऊपर तो नहीं है, लेकिन ये वीडियो है नेक्स्ट एलाइट पर, यानी सीजन 25 का जो एलाइट पास आएगा उसके ऊपर है। क्योंकि उसके ऊपर मेरे पास इनबॉक्स आ रहे थे कि भाई नेक्स्ट एलाइट पास में क्या क्या आ रहा है थोड़ा बता दो, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना के डाल देता हूँ, ऐसे सब देख लेंगे। तो भाई नेक्स्ट एलाइट पास जो है ना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया जिसे बोलते हैं ना वो है काफ़ी बढ़िया। और आप भी देखोगे ना आपका भी दिल चाहेगा के ले लूँ, लेकिन जो नहीं लेते लाइट पास उनके लिए फिर इतना काम का नहीं है। तो यार फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद अपनी लाइट पास की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले हमारे पास है वही सब एलाइट पास की चीज़ें जो शुरू की होती हैं, जैसे कि एक फीमेल शर्ट जो कि हर एलाइट पास में होती है शुरू में। उसके बाद हमें मिल जाती है एक परंग की स्किन जो कि वाइट कलर में काफ़ी कूल लग रही है। फॉक्स की थीम बनाई है इन लोगों ने, ये अवतार जो है इस पर भी फॉक्स बना हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे पास आती है बाइक की स्किन, जैसे इस एलाइट पास में हमारे पास है जीप की स्किन, वैसे ही नेक्स्ट एलाइट पास सीजन 25 के एलाइट पास में हमारे पास होगी बाइक की स्किन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक बैनर जो कि यानी अवतार के साइड में ही लगता है, वो आता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हमारे पास हर एलाइट पास जैसी इस बार भी एक और शर्ट आएगी, ये भी ये है रेड कलर में शर्ट, पिछले एलाइट पास की जो थी वो थी ब्लू कलर में। उसके बाद हमारे पास फिर से एक अवतार है। उसके बाद हमारे पास फाइनली 50 बेजिस पे हमें मिल रहा है फीमेल कॉस्ट्यूम, फीमेल बंडल जो है पूरा का पूरा 50 बेजिस करने पे मिल रहा है हमें। इसके हेयर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसका मास इतना ज़्यादा कूल नहीं है, इसके हेयर और शर्ट ज़्यादा कूल है, बाकी मास पेंट और शूज़ नॉर्मल हैं, यानी मास भी इतना अच्छा नहीं है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें मिल जाती है एक M249 की स्किन देखने को, जैसा कि अभी टॉपअप पे भी आई हुई है इसकी स्किन, जिसका रेट ऑफ फायर डबल है, ऐसे एक और स्किन आ रही है लाइट पास में। उसके बाद हमें फाइनली हर लाइट पास में जैसे इमोट होता है एक ना इसमें भी एक इमोट है लाइट पास का, ये भी काफ़ी कूल इमोट है, ये वैसा इमोट है कि बोया हो जाए उसके लिए खुशी का इजहार करो ऐसा इमोट है, यानी पूरे स्क्वाड को वाइप करके वाले इमोट करो उनकी लूट बॉक्स के पास जाके, ताकि वो लोग आइंदा आपसे पंगा ही ना ले, ये काफ़ी कूल इमोट है। और उसके बाद हमें देखने को मिल जाती है एक ये जो शर्ट है, ये सिंपल सी एक शर्ट है, ये भी काफ़ी कूल लग रही है अगर हम ऐसे ही पहने आम ड्रेसिंग में, सही है। उसके बाद हमें फिर से एक अवतार और बैनर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बैनर ये वाला इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इससे पहले वाले सारे अच्छे थे। उसके बाद एक लूट बॉक्स जो कि इतना ख़ास नहीं है, ज़्यादा दिखाएंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे, ये देख सकते हो कि इतना कूल नहीं है। इसके बाद हमें मिल जाता है एक सर्फ बोर्ड, जिसके एनिमेशन इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सही है, लेना तो है लाइट पर तो ये भी सही है। उसके बाद मिल जाता है हमें एक पैराशूट देखने को, जो कि यानी फॉक्स के डिज़ाइन पे बना हुआ है। उसके नीचे हमें मिल जाए बैकपैक, ये बैकपैक ही है शायद लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेवल 2 का लुक देखो और लेवल 1 का, लेवल 2 का ज़्यादा लुक अच्छा है। उसके बाद हमें फाइनली 225 पेजेस करने पे मेरा है मेल बंडल जो कि लाइट पास में होता है, इसकी वजह से लाइट पास आता है। तो ये फाइनली ये है मेल बंडल, ये भी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे तो, लेकिन इसका मास्क फिर भी इतना अच्छा नहीं है, इसकी शर्ट ही अच्छी है सिर्फ, मैं तो लूँगा ये लाइट पास फिर भी भाई। तो यार ये था हमारा नेक्स्ट लाइट पास, यानी सीजन 25 के लाइट पास, जो कि इतना ख़ास तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा बना है थोड़ा बहुत, जैसे बाइक की स्किन, बैनर और यानी और भी चीज़ें जो हैं उसकी शर्ट वगैरह, फीमेल और मेल कॉस्ट्यूम की शर्ट, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं।
अब बताना क्या आप लोगे अगर ये ऐसे ही आया तो। मैं तो लूँगा भाई, क्योंकि मुझे तो अपनी प्रोफाइल भी सही रखनी है, इसलिए मुझे तो लेना ही पड़ेगा। आप बताना कमेंट में क्या आपको ये लाइट पास कैसा लगा, कि मैं लूँ या नहीं लूँ। वीडियो को एंड करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया वैसे तो किया नहीं होगा इसलिए सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि स्क्रीन पर आ रहा होगा कि ज़्यादातर वीडियो जो है अनसब्सक्राइबर देखते हैं, जबकि सब्सक्राइबर इतने नहीं देखते, इसलिए।